सो हैलो एवरी वन आई एम मोनिका फ्राम आइल्स नाइन सो यू कैन सी दिस रीडिंग डेट इज़ रिलेटिंग टू आइसबर्ग जो कि फोरटीन एग्ज फोर्टीन सेप्टेम्बर एग्जाम में आई थी फोर्टीन सेप्टेम्बर आइल्स एग्ज़ाम में आई थी इंडिया में एंड इसका जो बच्चों ने जो रिपोर्ट किया था कि आइसबर्ग रिलेटेड कोई रीडिंग थी बट उन्होंने ये नहीं बताया था कि टाइटेनिक प्रपोर्शन uh, ऐसे वाला उसमें आया था तो मुझे ये रीडिंग मिली तो मैं इसलिए ये रीडिंग करवा रही हूँ बट डोंट वरी वी हैव टू डू प्रैक्टिस सो इस चैनल पर सब कुछ मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करती हूँ फॉर डैट फॉर माई मोटिवेशन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल ओके कुछ भी अगर आपको आ, आ, कुछ भी इशू है अगर आइल्टपरेशन में प्लीज़ मुझे यह कमेंट करके बताना तो मैं उसको सॉल्व करने की ट्राई करूँगी वीडियो के थ्रू ओके okay? नाउ अभी ये देख लो अभी आप ये हमारी रीडिंग है इस रीडिंग में विदाउट एनी uh, uh, कोई अल्फाबेट्स नहीं दिया ए बी सी डी तो हम चलेंगे सीधा uh, इसको कुछ नहीं पढ़ना है ठीक है हम सीधा चलेंगे सी द क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन पहले मैं किसी रीडिंग को बनाती हूँ इंग्लिश में उसके बाद फिर हिंदी का नंबर आता है ठीक है तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल बिलो सेकंड है ट्रू फॉल्स नॉट फिर है सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन सेवन टू थर्टीन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन तो मैं अपनी रीडिंग जो है पहले टाइप के क्वेश्चन से ही स्टार्ट करती हूँ इसमें कोई कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों की कि पहले दूसरा करना है तीसरा करना ही रीडिंग को करो हमेशा जो राइटर जिसका राइटर है वो हमेशा क्वेश्चंस को भी उसी ढंग से डिज़ाइन करता है वो जो रीडिंग के फ्लो के अकॉर्डिंगली वो क्वेश्चंस आपको देंगे ठीक है चलो अब शुरू करते हैं कंप्लीट द टेबल बिलो इसको कैसे करना है तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़नी है चूज नो मोर देन टू वर्ड्स टू वर्ड्स हेयर मीन्स वन वर्ड भी लिख सकते हैं टू वर्ड्स भी लिख सकते हैं बट थ्री नहीं लिखना अगर आपने ए ऑफ इन ये सब भी ऐड कर दिया तो ये भी काउंटेबल होते हैं तो ये मत करना टू वर्ड्स है तो टू ही लिखना थ्री नहीं लिखना तो अभी चलते हैं इसको करना कैसे कंप्लीट द टेबल बिलो सो टाइम दिया है उसने पर्सन दिया है पोजिशन दिया है एक्शन दिया है कि इस टाइम पे इस पर्सन ने इस पोजिशन को ये एक्शन किया ठीक है ये आपको समझ में होना चाहिए उसके बाद हम क्वेश्चन कैसे करते हैं एज यू नो आई ऑलवेज फोकस ऑन की वर्ड स्ट्रैटेजी तो मेरा फर्स्ट की वर्ड है ये ये वर्ड मुझे ले जाएगा लोकेशन पे कौन सी लोकेशन पे पैसेज के अंदर किस पैराग्राफ में है उसके बाद हम देखते हैं फिर उसने क्या एक्शन किया आइसबर्ग रिपोर्टेड साइटिंग ऑफ द आइसबर्ग चलते हैं अभी इलेवन थर्टी नाइन पे ये देखो मैंने अब आपको दिखाया फर्स्ट लाइन जो है ये इस रीडिंग का जो नाम है ये ध्यान से देख लो ए डिज़ास्टर ऑफ द परपोर्शन जो फर्स्ट वर्ड है वो 1139 यही है देखो आप अभी ठीक है उसके बाद हमें क्या ढूंढना है पर्सन कौन सा पर्सन है क्या है भाई ऑन द इवनिंग ऑफ संडे फोर्टींथ अप्रैल नाइनटीन अंड्रेड ट्वेल्व लुक आउट्स लुक आउट्स फ्रेडरिक फ्लीट एंड रेजिनेंट ली ऑन द फॉरवर्ड मास्ट ऑफ मेस्ट ऑफ द टाइटेनिक साइटेड एंड एरी ब्लैक मार्स्ट कमिंग इन टू व्यू डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द शिप ओके सो ठीक है तो उसके बाद ये जो पर्सन है यहाँ दो पर्सन की नेम है अब ये कन्फ्यूजन है कि कौन सा पर्सन का नेम लिखें तो मैं इसमें तो मैं तो इसको यही लिख दूंगी फर्स्ट जो पर्सन का नाम आ रहा है फ्रेडरिक फ्लीट ओके सो फ्रेडरिक एफ हाँ यहाँ पे भी एफ आपका कैपिटल होना चाहिए तो अगर एग्जाम में आप ऐसे करके आओगे सॉरी ये ओवर करके आओगे तो वो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा अब मैंने फर्स्ट का आंसर ये लिखा अब पोजिशन ये किस पोजिशन पर था ये मुझे रिपोर्ट साइटिंग ऑफ द आइसबर्ग तो इसको देखो ऑन द इवनिंग ऑफ दिस लुकआउट्स फ्रेडरिक ऑन द फॉरवर्ड मास्ट ऑफ द ये मुझे इसका आंसर इंग्लिश में भी नहीं मिला तो मुझे अभी भी नहीं मिल रहा बट उनका आंसर ये है ये कैसे है अब आप देख लेना पोजिशन ये है इसका आंसर ये दिया है उन्होंने सो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन दिस शुड नॉट बी द पोजिशन

फिर मतलब कि उसने फ्लीट ने ही आंसर पिक फ्लीक ने ही मतलब फ़ोन को पिक किया और बताया कि आ, जो है आइसबर्ग की साइड दिखी तो ये तो हो गया ये आंसर वहाँ दिया लेकिन मुझे ये आंसर नहीं मिला और ना ही क्योंकि नॉट नेसेसरी हर एक को हर आंसर मिल जाएगा कोई ना कोई तो आंसर रॉन्ग हो ही जाता है ठीक है तो इट्स नॉट नेसेसरी डेट सभी आंसर्स मिल जाएंगे हाँ बट कुछ रीडिंग्स ईजी होती हैं उसमें मिल जाता है तो नेक्स्ट वाला जो फ़िलिंदा ब्लैंक्स है उसको करते हैं अब यहाँ हमें क्योंकि यहाँ टाइम चल रहा है क्योंकि देखो अभी आप टेबल में यहाँ टाइम ही था तो अभी हमें आंसर भी टाइम ही मिलेगा फिर पर्सन का नाम एंड्रियो है और शिप डिज़ाइनर है और फिर ये पहले ये अपने कीवर्ड्स हैं ये हमें इस लोकेशन पे ले जाएंगे अभी ये तो यहाँ ख़त्म हो गए अब यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे हम लोगों को जो ढूंढा एंड्रियो एंड्रियो देखते हैं अभी स्ट्रक्चर एंड्रियो नाम यहाँ है देखो अभी शिप डिजाइनर ये नाम भी वहाँ दिया है तो ये एंड्रियो नाम और शिप डिजाइनर हमें यहाँ मिल गया देखो द शिप डिजाइनर थॉमस एंड्रियो कैरीड आउट ए विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द शिप डैमेज एंड एट मिडनाइट ये जो अपना आंसर होगा ना मिडनाइट अब आप लोग सोच आप लोग कुछ लोग इसको लगा दोगे आंसर ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि इसको पढ़ के देखना है तो ठीक है तो इस डिज़ाइनर ने एंड्रियो ने क्या रिपोर्ट की रिपोर्टेड हाउ लॉन्ग द टाइटेनिक कुड स्टे एफ्लोट मतलब टाइटेनिक जो है वो कितने समय तक वहाँ ऊपर रह सकता है विजुअल इंस्पेक्शन एंड इन्फॉर्म कैप्टन स्मिथ एट मिड नाइट द शिप वुड सिंक इन लेस देन टू आवर्स उसने इन्फॉर्म किया तो किस समय पे मिडनाइट पे इन्फॉर्म किया आप इसको 12 बजे भी लिख सकते हो बट बेटर है जो यहाँ लिखा है वो ही आंसर लिखना अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना और जो लोग इसको आंसर लगाने हैं वो आंसर पढ़ो बाय यहाँ फुल स्टॉप हो गया बाय ट्वेल्व थर्टी एम द लाइफ बोट्स वर फिल्ड विद वुमेन एंड चिल्ड्रन तो साढ़े बारह तक तो वो लाइफ बोट जो है वो पूरा का पूरा बच्चों और वुमेन से भर चुका था तो इसका मतलब ये तो नहीं है बात हमारी यहाँ की हो रही है उसने क्या एक्शन किया और उसने किस समय एक्शन किया जो कि यहाँ पे आएगा मिड नाइट ओके अब चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन फोर्थ नंबर टाइम ट्वेल्व फिफ्टी एम स्मिथ कैप्टन ऑर्डर डैश टू बी रिलीज उसने स्मिथ कैप्टन ने ट्वेल्व फिफ्टीन एम पे क्या ऑर्डर किया रिलीज़ करने का मतलब कुछ निकालने का तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको आंसर ट्वेल्व थर्टी यहाँ पे है और वन फिफ्टीन यहाँ पे है सी देखो यहाँ पे तो हम लोगों को तो ढूँढा ट्वेल्व फिफ्टीन कब होगा और कैप्टन स्मिथ तो कैप्टन स्मिथ यहाँ पे है उसने कैप्टन स्मिथ एट मिड नाइट Ordered. उसने क्या ऑर्डर किया कैप्टन स्मिथ एट मिड नाइट एट द शिप पहले इसने कैप्टन स्मिथ को ऑर्डर किया फिर कैप्टन स्मिथ ने क्या ऑर्डर किया 12:30 थर्टी एम फिर आगे पढ़ते ना लोकेशन तो पढ़नी होगी ना द लाइफ बोर्ड्स वर फिल्ड विद वुमेन एंड चिल्ड्रेन आफ्टर स्मिथ हैड गिवन कमांड सो मीन्स ऑर्डर्ड कमांड फॉर देम टू बी अनकवर्ड एंड स्वंग आउट फिफ्टीन मिनट्स अर्लियर मीन्स जो लाइफ बोर्ड्स को है वो निकाल दो पंद्रह मिनट पहले पंद्रह मिनट पहले मतलब यही होगा तो उसने ऑर्डर क्या दिया टू बी रिलीज किसको निकालने के लिए दिया बात हो रही थी लाइव बोर्ड्स की ठीक है लाइव बोर्ड्स ये ये डैम जो लगा है ये लाइव बोर्ड्स के लिए लगा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइव बोर्ड्स टू बी रिलीज ओके नाउ अभी इस पे चलते हैं फिफ्थ वे टू uh, uh, दो बज के सत्रह मिनट पर ब्राइड एंड फिलिप्स ये अपनी लोकेशन है ये हमें ले जाएंगे वहाँ पे ब्राइड एंड फिलिप्स इनकी लोकेशन रिलेड फाइनल रिलेट रिलेट फाइनल आखिरी ठीक है तो अभी इसको ढूंढ लेते हैं ब्राइड एंड फिलिप्स कहाँ मिलेंगे ये ब्राइड यहाँ है फिलिप्स यहाँ है अभी मैं पूरा क्वेश्चन दिखा मेरे साथ साथ में इसको करने की कोशिश करना कि ब्राइड एंड फिलिप्स जो है वो देखो वो आ, वो, वो ये ये पूरा यहाँ से लोकेशन स्टार्ट है टू पॉइंट सेवनटीन ए एम हेरल्ड ब्राइड एंड फिलिक्स पूरा ऐसे कैसे चल रहा है टैब्ड आउट देयर लास्ट वायरलेस मैसेज टैब्ड आउट लास्ट मतलब फाइनल तो यहाँ पे हम वायरलेस मैसेज डाल देंगे और यहाँ क्या आएगा पोजीशन ये बंदा किस पोजीशन पे थे बीइंग रिलीव्ड ऑफ ड्यूटी एज अ शिप्स वायरलेस ऑपरेटर्स सो so, ये ऑपरेटर वायरलेस ऑपरेटर्स तो यहाँ पे हम वायरलेस ऑपरेटर्स यहाँ पे वायरलेस मैसेज डाल देंगे बिकॉज ये देखो ब्लैंक से पहले का जो वो वर्ड होता है ना वो भी इंपॉर्टेंट होता है आंसर ढूंढने में मैंने अपने आंसर्स भर दिए ठीक है, है अभी हम चलेंगे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पे फॉल्स नॉट गिवन मेरे साथ साथ करोगे तो फायदे में रहोगे तो इसको एक एक करके पढ़ते हैं और चलते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को करना कैसे है सबसे पहले स्ट्रैटेजी है इसको स्टेटमेंट को पढ़ना है इसको दो बार पढ़ो इसका मीनिंग को अंडरस्टैंड करो और इसमें एक या दो कीवर्ड निकालो वो कीवर्ड हमें पैराग्राफ में पैसेज में लोकेशन पे ले जाएंगे तो पढ़ते हैं द बाइनाकुलर्स फॉर द मैन ऑन वॉच हैड बिन लेफ्ट इन द इन ए क्रू लॉकर इन द साउथ हेम्पटन तो बायोकुलर्स फॉर द मैन जो बाइनाकुलर्स जो मैन के लिए मैन मीन्स ये प्लुरल है ठीक है फॉर वॉचिंग करने के लिए हैड बिन लेफ़्ट इन एन वो क्रू लॉकर में छोड़ दिया गया था साउथ हेम्पटन में तो बायनाकुलर और साउथ हेम्पटन ये तो वर्ड है हमें लोकेशन पे ले जाएंगे अब लोकेशन हमें ये हमने यहाँ इस पेज की लोकेशन यहाँ तक हमने किया तो हम आगे वाले उस पर चलते हैं जहाँ पे हमें साउथ हेम्पटन और बायनाकुलर्स मिलेंगे देखो तो एक के बाद एक हमें लोकेशन मिलती जाएंगी ये साउथ हेम्प्टन भी मिल गया है बाइना भी मिल गया अब मैं पूरा क्वेश्चन दिखाती हूँ अब ये हमारी लोकेशन है अब अब अच्छे से आपको दिखेगा सो so, बाइनाकुलर्स भी हमें मिल गया है और फॉर द मैन ऑन वॉच हैड बिन लेफ्ट इन ए क्रू लॉकर इन द साउथ हेम्पटन चलो ठीक है ड्यू टू ए लास्ट मिनट चेंज इन शिप ऑफिसर्स लाइन अप आइसबर्ग लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट फिर से वही ओके okay. Uh, iceberg lookouts Frederick Fleet and Legend were making to do without a pair of binoculars that an officer transferred an officer transferred off the ship in Southampton had left in a cupboard on board. Okay, any of the ship crews. Okay, the man to on watch had been left in a crew locker in the Southampton. So, agar this same to same, hai, the binoculars for the man on watch. इनके लिए देखने के लिए हैड बेन लेफ्ट इन क्रू लोकर इन साउथ हेम्पटन देन ट्रू अगर थोड़ा बहुत कुछ हेर फेर हुआ तो ये फॉल्स होगा अदरवाइज अगर ये बाइनागुलर की बात ही नहीं कर रहे हैं कि वो उसको वहाँ छोड़ा था केविन uh, क्रू में साउथ साउथहैम्पटम ने तो नॉट गिवन होगा बट ये नॉट गिवन की कंडीशन में नहीं है ओके ड्यू टू ए लास्ट मिनट एक्सप्लेनेशन अबाउट अबाउट सम फोकस ऑन वेरी स्मॉल डिटेल्स ड्यू टू ए लास्ट मिनट चेंज शिप ऑफिसर्स लाइंड अप आइसबर्ग लुकआउट्स दिस दिस टू वर मेकिंग डू विदाउट ए पेयर ऑफ बाइनाकुलर्स ओके दैट एन ऑफिसर ट्रांसफर्ट सो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ऑफिसर ऑल्सो हैड बिन लेफ्ट किसने छोड़ा ये भी नहीं दिया है वहाँ पे इन बायनाकुलर्स को हैड लेफ्ट इन ए कबर्ड ऑन बोर्ड ऑन बोर्ड मीन्स शिप में बट यहाँ पर ये बोल रहे हैं ऑफ ऑफ शिप द शिप इन साउथ हेम्प्टन हैंड लेफ्ट इन ए कबर्ड ऑन ऑन बोर्ड द बाइनर फॉर द मैन सो आप इसको मिलाओगे तो आपको सेम स्टेटमेंट नहीं मिलेगी देखो हैड बिन लेफ्ट हैड लेफ्ट इन ए क्रू लॉकर इन साउथ हेम्प्टन लेकिन ये नहीं बताया है कि uh, जो है साउथ बाइनाकुलर फॉर द मैन ऑन वॉच हैड बिन लेफ्ट इन ए क्रू लॉकर इन साउथहैम्पटन इसको जरा ध्यान से देखो ये फॉल्स आपको आंसर मिलेगा फॉल्स विदाउट ए पेयर ऑफ बाइनाकुलर्स एक्चुअल में अगर आप देखो तो ये मैन की ये इनडायरेक्ट वे में मैन की बात हो रही है दो पर्सन है दो मैन है वेकिंग डू विदाउट ए पेयर ऑफ बाइनाकुलर्स वो उसके बिना भी काम चला रहे थे बट यहाँ पर पे ये चीज नहीं लिखी है इसलिए इसको हम फॉल्स करते हैं एट्थ नंबर द मिसिंग बाइनाकुलर्स वॉट द मेजर फैक्टर लीडिंग टू द कोलिजन विद द आइसबर्ग क्या ये मिसिंग बाइनाकुलर्स जो थे वो क्या मेजर फैक्टर्स थे इस टाइटेनिक कालीजन एक्सीडेंट होने में आइसबर्ग के साथ वो हमें फाइंड करना है सो so ये देखो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर यहाँ से शुरू है वट और हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्केल ऑफ दिस कैसड्रॉप मीन्स ये कोलिजन जो हुआ था इस एक्सीडेंट को बोलेंगे एक्सप्लेनेशन अबाउट सम डेट फोकस ऑन वेरी स्मॉल डिटेल्स बट ये नहीं लिखा है आगे भी पढ़ो फ्लीट फ्लीट हु सर्वाइव द सिंकिंग इंसिस्ट एट दिस इंक्वायरी आइसबर्ग इन टाइम टू डिजास्टर इफ यू हैड बीन ए पोजिशन ऑफ द बाइनोकुलर्स यहाँ कुछ और लिखा है वहाँ कुछ और लिखा है देखो uh, अगर आप इसको मैच करोगे ये वर द मेजर फ्लीट हु इंसिस्टेड एट ए सब्सिक्वेंट इंक्वायरी डैट ही कुड द आइसबर्ग इन टाइम टू अवर डिजास्टर इफ़ ही हैड बीन पोजीशन ऑफ द बाइनाकुलर सो बट ये नहीं लिखा है कि ये मेजर फैक्टर था जो बाइनाकुलर मिस हुए थे तो इसलिए हम इसको नॉट गिवन लगाएंगे नाइन्थ नंबर फिलिप्स मिसड नोटिफिकेशन अबाउट द आइस अब ये फिलिप्स वर्ड हमें ले जाएगा लोकेशन और ईवान पे uh, उसने जो ईवान ने जो नोटिफिकेशन दिया था वो फिलिप्स ने मिस किया या नहीं ये आंसर डिपेंड करता है बिकॉज द टाइटेनिक्स वायरलेस सिस्टम वॉज नॉट फंक्शनिंग एट द टाइम ये सभी चीज़ें हमें मिलनी चाहिए मेन डिपेंड करेगा कि फिलिप्स ने इसका मैसेज मिस किया था या लिया था ये सब बातें करना है. अभी हम ढूंढ लेते हैं फिलिप्स अभी इस पैराग्राफ को हम कर चुके हैं उसके बाद आगे चलते हैं ये मुझे इवांस मिल गया है ये फ़िलिप्स भी मिल गया अब मैं पूरा क्वेश्चन दिखाती अब ये देखो हमें पूरा लोकेशन मिल गया अब हम इसको पढ़ लेते हैं इसको इसीलिए पहले इसको मीनिंग अपने मन में मीनिंग समझो तभी आगे जाओ ठीक है अभी दैट लेस देन एन आवर बिफोर द टाइटेनिक स्ट्रक द आइसबर्ग वायरलेस ऑपरेटर्स क्राइल इवान्स ऑन द कैलिफोर्निया लोकेटेड जस्ट ट्वेंटी माइल्स टू द नॉर्थ ट्राई टू कॉन्टेक्ट ऑपरेटर जैक फिलिप्स ऑन दैट दिस वॉन ही मॉफ पैक आइस इन द एरिया ही वॉन्ट फिलिप्स पैक आइस इन द ए एरिया शटअप इन्वर्टेड कोमा पढ़ो जरा ध्यान से शटअप शटअप यू आर जैमिंग माई सिग्नल फिलिप्स ने रिप्लाई किया इसका मतलब इवान का मैसेज उसको मिला था उसने मिस नहीं किया था बट वो सुनना नहीं चाह रहा था उसने शटअप शटअप करके उसको कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ क्या हुआ मतलब मिस किया या उसको मैसेज मिला था वो भी आपको देखना है बताइए अभी आप सोचो जरा I'm waiting. जरा मैं आपको टाइम दिया है जरा सोचकर बताइए जरा तो फिर क्या हुआ उसने मिस उसने मिस नहीं किया ना उसको तो मैसेज मिला था इसीलिए ये आंसर अपना हुआ ट्रू ठीक है तो थोड़ा सा टाइम मैं आपको दूंगी साथ साथ में ताकि आप भी प्रैक्टिस कर पाओ अगला है कैप्टन स्मिथ न्यू देर वॉज आइस इन द एरिया अगर कैप्टन ये पहले तो ये कैप्टन स्मिथ जो है ये वर्ड हमें ले जाएगा लोकेशन और हमें इस क्वेश्चन की लोकेशन मिलेगी उसके बाद हमें क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है कि वो ट्रू है फॉल्स है नॉट गिवन अगर उसको पहले से पता होगा कि आइस थी उस एरिया में तो ट्रू होगा अगर उसको पहले से कोई इन्फॉर्मेशन uh, नहीं थी आइस के बारे में तो uh, तो क्या होगा फॉल्स होगा अगर वो कोई ये बात ही नहीं हो रही है कि स्मिथ को पता था आइस के बारे में नहीं नहीं पता था नहीं था तो नॉट गिवन ठीक है अब आगे चलते हैं इसी पैराग्राफ को ले लेते हैं अभी एक बार देख लेते हैं यहाँ है तो नहीं तो अगले या कैप्टन स्मिथ ये देखो कैप्टन मिल गया हैड मेंटेन द शिप स्पीड ट्वेंटी टू नॉट्स डिस्पाइट मल्टीपल अर्लियर वार्निंग्स ऑफ आइस हैड फिर से इस लाइन को पढ़ो और मुझे आप आंसर डिसाइड करके बताओ कि ये टेंथ का जो ये पूछा है ये आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रू है फॉल्स है नॉट गिवन है कैप्टन स्मिथ हैड मेंटेन द शिप स्पीड उसने इतनी स्पीड रखी डिस्पाइड बजाय इसके उसको मल्टीपल टाइम वार्निंग भी मिली थी आइस की आगे तो फिर इसका मतलब उसको पता था ये क्या हुआ हमारा ट्रू ठीक है ओके सो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं इलेवेंथ अभी इलेवंथ पे हम चलेंगे आ, सॉरी ये अपना नाइन्थ जो है सॉरी मैंने ये फॉल्स लगाना था फिलिप्स मिस्ड नोटिफिकेशन उसने नोटिफिकेशन मिस मिस नहीं की उसको मिला था तो आंसर ये फॉल्स हुआ सॉरी सॉरी ये उसने यहाँ लिखा है ना उसको मिली थी इन्फॉर्मेशन उसने मिस नहीं की थी उसने ही बोला था शेटअप शेटअप यू आर जैमिंग माई सिग्नल इट मीन्स उसने नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन मिस नहीं की थी उसको मिली थी ये फॉल्स है आंसर ठीक है अभी इलेवंथ पे होवल बिलीव डैट कैप्टन फेलियर टू रिड्यूस स्पीड वॉज इरिस्पॉन्सिबल होवल जो पर्सन का नाम है अगर वो बिलीव करता है अगर सेम ऐसे दिया है कि कैप्टन की फेलियर की वजह से जो उसने स्पीड को रिड्यूस किया वो रिस्पॉन्सिबल एक्शन है ठीक है अगर वो होवल कुछ और बिलीव करता है कैप्टन कैप्टन की कैप्टन की तरफ से कैप्टन को उसकी फेलियर जो उसने स्पीड रिड्यूस किया था उसका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था या इ उसके ऊपर आंसर कैप्टन होवेल यहाँ ये बता रहा है कि कैप्टन का जो फेलियर था उसने रिड्यूस कर की थी स्पीड वो एक इिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था तो तो होगा ट्रू अगर होवेल बिलीव करता है नहीं ये रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था तो होगा फॉल्स अभी हम होवेल वर्ड को ढूंढ लेते हैं ये लास्ट इस इसमें नहीं है ठीक है अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं अब होवल जो है यहां मिला नेक्स्ट पेज पे रिचर्ड होवल हैव काउंटेड दिस परसेप्शन हमने पिछली लाइन ध्यान से नहीं पढ़ी पता नहीं किस परसेप्शन की बात कर रहे हैं मतलब पॉइंट ऑफ व्यू नोटिंग दैट स्मिथ वॉज सिंपली फॉलोइंग कॉमन प्रोसीजर एट द टाइम एंड नॉट बिहेविंग रेकलेस इट मीनस वो इिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं कर रहा था तो क्या होगा इसका अपोजिट आंसर बोल रहा है ना तो हम फॉल्स लगाएंगे यहाँ पे ठीक है यहां तो वो बिलीव कर रहा है कि ये उसका इसिबल बिहेवियर था लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि ये तो प्रोसीजर था कॉमन प्रोसीजर था कैप्टन स्मिथ वॉज सिंपली फॉलोइंग कॉमन प्रोसीजर एंड नॉट बिहेविंग रेकलेस तो इसमें इसका मतलब उल्टा अपोजिट दिया है तो नेक्स्ट अब अपेल्थ पे चलते हैं द टाइटैनिक वॉज एबल टू सीट मोर पैसेंजर्स इन लाइफ बोर्ड्स देन द बोर्ड ऑफ ट्रेड रिक्वायर्स टाइटेनिक वॉज एबल टू सीट मोर पैसेंजर्स टाइटेनिक जो है वो ज़्यादा लोगों को बिठा सकता था इन लाइफ बोट्स टाइटेनिक की जो लाइफ बोर्ड्स थी देन द बोर्ड ऑफ ट्रेड रिक्वायर्ड जो जितना बोर्ड ऑफ ट्रेड जो रिक्वायर था उससे ज्यादा वो बिठा सकता था अभी चलते हैं आगे लाइफ बोर्ड्स हमारा अगले इस पैराग्राफ में दिया है देखो हमारा जो क्वेश्चन है ट्वेल्थ पढ़ लेते वन ऑफ द स्ट्रॉगेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द सीवर लॉस ऑफ टाइम लाइफ हैज दैट टाइटोनिक डिड नॉट कैरी एनएफ लाइफ बोर्ड्स ओके यहाँ तो कुछ और है कि डिड नॉट कैरी एन एफ लाइफ बोर्ड फॉर एवरी वन ऑन बोर्ड यहाँ पे दिया है कि वो ज़्यादा पैसेंजर्स को अपनी बोट्स में बिठा सकता था जितनी बोर्ड ऑफ ट्रेड रिक्वायर्ड का लेकिन बोर्ड ऑफ ट्रेड यहाँ पे है देखो मेरी टाइम रेगुलेशं एट द टाइम टाइड लाइव बोट कैपेसिटी टू द शिप साइज नॉट द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑन बोर्ड ओके दिस मीन डेट टाइटेनिक विद रूम टाइटेनिक विद रूम इतना ऑफ इट्स दिस पैसेंजर्स एक्चुअली सर पास्ट द बोर्ड ऑफ ट्रेड रिक्वायरमेंट दैट इट कैरी बोर्ड्स फॉर दिस ऑफ इट्स पैसेंजर्स सर पास जो वर्ड यहाँ दिया ना तो इसका मतलब कहने का है कि वो टाइटैनिक का ये सही कह रहा है कि वो एबल टू सीट मोर पैसेंजर्स इन लाइफ बोर्ड देन द बोर्ड ऑफ ट्रेड रिक्वायर्ड जितना रेगुलेशंस बोर्ड ऑफ ट्रेड की थी उससे ज़्यादा वो बिठा सकता था और यहाँ देखो लिखा है दिस मीन दैट टाइटैनिक विद रूम दिस ऑफ इट्स पैसेंजर्स एक्चुअली सर द बोर्ड ऑफ ट्रेड रिक्वायरमेंट दैट इट कैरी लाइव बोर्ड्स फॉर वन जीरो सिक्स जीरो ऑफ़ इट्स पैसेंजर जितना इसका रूल्स रेगुलेशन था उससे ज़्यादा इसने वो किया इसका मतलब ये आंसर अपना होगा ट्रू होगा ट्वेल्थ ठीक है नाउ कमिंग टू दैट थर्टींथ ए लाइफ बोर्ड ड्रिल वुड हैव सेव्ड मोर लाइफ्स लाइफ बोर्ड की जो ड्रिल है वो ज़्यादा लोगों को बचा सकती थी अब ये लास्ट लास्ट पैराग्राफ बचा है तो यहीं पर ही होगा मैं दिखाती हूँ अब ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चों का रॉन्ग होता है लाइफ मतलब बोट की, की अगर ड्रिल होती तो वो ज्यादा लोगों को बचा पाती ठीक है तो लाइफ बोट वुड हैव सेव्ड मोर लाइव्स मतलब ज्यादा लोग तो ठीक है अभी हमारा लाइफ बोट यहाँ पे चल रहा था हमने यहाँ तक कव, कवर किया था नेवर लाइफ बोट्स बींग लोवर्ड लेस देन हाफ फुल इन मेनी केसेज एंड ओनली सर्वाइविंग डिस्पाइट ए दिस more lifeboats would not have guaranteed more survivors in the absence of better training and preparations okay many passengers were confused about where to go after the order to launch lifeboats were given a lifeboat drill scheduled okay lifeboat drill actual word is this lifeboat drill scheduled for earlier on the same day that Earlier on the same day means uh, that Titanic struck the iceberg was cancelled by Captain Smith in order to allow passengers to discharge. Captain Smith ने ही जो एक दिन पहले schedule for earlier on the same day that Titanic uh, struck उसे so, uh, matlab पहले ही उन्होंने जो schedule थी पहले से ही lifeboat drill और on the same day जिस दिन Titanic का टक्कर हुआ था तो Captain Smith ने उसको cancel कर दिया था ठीक है उसने उसको cancel कर दिया था तो यहाँ पे लाइफ बोट ड्रिल के बारे में लिखा है बट ये नहीं लिखा है कि वुड हैव सेव्ड मोर लाइफ तो इट मीन्स ये नॉट गिवन आंसर होगा